लो दोस्तों, आज हम जैसे इस वीडियो में देखेंगे जैसे कंप्यूटर के जैसे चार भाग कौन से हैं जिसके बिना जैसे कंप्यूटर कोई जैसे उपयोग कर ही नहीं सकता है ना। तो जैसे कंप्यूटर के चार भाग तो होना ये जरूरी है ना। तो आज हम जैसे इन्हीं चीज चार भागों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इन चीज़ों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है ना, जैसे हम कोई भी चीज कोई भाग होता है जैसे हमें चार भाग अगर हम देखें तो फर्स्ट में तो हम सीपीयू को ले लेते हैं ना, सेकेंड हम मॉनिटर को ले लेते हैं, थर्ड में हम कीबोर्ड को ले लेते हैं और फोर्थ में हम माउस को ले लेते हैं ना। कि जैसे अगर हमसे पूछें जैसे कंप्यूटर को चार भाग कौन से हैं जिनके बिना जैसे कंप्यूटर को चलाना है संभव नहीं है ना, तो हम जैसे इन चार चीज़ों का नाम ले सकते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड है ना और माउस है ना। तो ये चार चीज़ें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अगर सीपीयू नहीं हुआ जैसे कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन, मदरबोर्ड, जैसे वो सारा कुछ स्ट्रक्चर को हम जो बॉक्स होता है ना उसको कैबिनेट को हम सीपीयू बोल सकते हैं ना। और उसमें सीपीयू जैसे अंदर फिट होता है, उसके बाद मॉनिटर होता है जिसमें हम डिस्प्ले देखते हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना तो ये मॉनिटर के रूप में देख सकते हैं ना, ये कीबोर्ड और माउस है ना। अब जैसे आप तो कह दोगे कि मोबाइल जैसे मॉनिटर के रूप में जैसे हम कैसे देख रहे हैं ना, क्योंकि इसमें तो हम टच करके हमें कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ी है ना, लेकिन हमें कि सिस्टम को तैयार करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को तैयार करने के लिए हम चार चीज़ों की जरूरत होती है। और जैसे हम इन चार चीज़ों के सिवा अगर हम जैसे और भी देखें जैसे मोबाइल है ना, तो मोबाइल एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस होती है ना, एक सिंप्लेक्स होता है ना। सिंप्लेक्स में जैसे जैसे हम अपन सिर्फ आउटपुट दे सकते हैं ना, जैसे अगर हम देखें सिंप्लेक्स है ना, अगर हम सिंपलेक्स डिवाइस देखें तो कीबोर्ड होती है वह। सिंपलेक्स में हम कीबोर्ड 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 को देखते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ अपन जैसे एक तरफ से अपन डेटा भेज सकते हैं ना। अब एक तरफ से अपन डेटा भेज दिए जैसे कीबोर्ड के माध्यम से, अपन ने डेटा जैसे मैंने कीबोर्ड में जैसे टाइप कर दिया, अब हम कीबोर्ड में डेटा ले नहीं सकते हैं ना, सिर्फ ओनली इससे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और जैसे कमांड दे सकते हैं ना। फिर जैसे हाफ डुप्लेक्स आ जाता है ना, हाफ डुप्लेक्स डिवाइस में अगर हम देखें ना, तो इसमें जैसे एक सीपीयू को लेते हैं ना। अब सीपीयू में क्या होता है, जैसे अपन एक एक टाइम में या तो इनपुट दे सकते हैं या फिर आउटपुट ले सकते हैं ना, दोनों काम एक साथ साथ नहीं हो सकता है ना। क्योंकि मैंने जैसे कीबोर्ड से जैसे अपन ने सीपीयू में जैसे इनपुट दिया है ना, दिया है, लेकिन हमें एंड टू एंड आउटपुट है ना सारी कुछ जैसे सीपीयू के माध्यम से हम इनपुट आउटपुट ले दे सकते हैं ओनली एक टाइम में है ना, लेकिन इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ों की हेल्प करनी पड़ती है, तो हाफ डुप्लेक्स में जाते थे ना। अब एक तीसरी और होते हैं फुल डुप्लेक्स, अब फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे अपन उसमें क्या है जैसे डेटा को है ना एक टाइम में भेज भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। जैसे मोबाइल की स्क्रीन मैंने टच किया, उसमें जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में मोबाइल आ जाता है। अब मोबाइल में क्या है, जैसे अपन एक टाइम में जैसे डेटा दे भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं ना, एक साथ जैसे हम दो दो काम कर सकते हैं। जैसे मैंने जैसे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जैसे प्रेस किया तो उसमें डेटा है ना, जैसे ही मैंने कमांड दी और मेरे को एंड टू एंड आउटपुट मिल गया, लेकिन ऐसा सीपीयू में मुमकिन नहीं होता और सिंपलेक्स में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ अपन जैसे अपन कीबोर्ड में कौन सा आउटपुट लेंगे है ना, वही होता है ना, अपन सिर्फ कीबोर्ड से कमांड दे सकते हैं ना कि आउटपुट ले सकते हैं ना, सीपीयू हमें एक साथ में कमांड ओनली दे सकते हैं लेकिन आउटपुट नहीं मिल सकता है ना, ओनली आउटपुट ले सकते हैं कमांड नहीं दे सकते ना, एक टाइम में ओनली एक काम। तो हमने इस वीडियो में जैसे कंप्यूटर के अंगों के बारे में देखा, और हमने जो कंप्यूटर जो मुख्य डिवाइस होती है ना उनके रूप में भी देख लिया हमने इस वीडियो में ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको जैसे इसी प्रकार की अगर हमारे वीडियो अगर देखना पसंद है, तो हमारे चैनल पे जैसे हमने काफ़ी सारी ऐसी की ऐसी सेम वीडियो बना रखी है, उनमें जैसे हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उन वीडियो को जाके ज़रूर देखें।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।